गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 17 जून 2024। ड्यू टू बकरीद हमारा इंडियन मार्केट क्लोज्ड है, सो आज के दिन में मैं ये वीकली एनालिसिस बना रहा हूँ। पिछले हफ्ते में, दैट मीन 10 जून टू 14 जून में करेंसीज में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ, उससे पहले जो मेजर इवेंट्स था उसमें से था आपका यूएस सीपीआई डेटा एंड फॉलोड बाई एफओएमसी रेट डिसीजन। उसका आउटकम क्या हुआ, क्या डेटा आया, आप सभी को पता है। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग द डेटा, बट आई विल बी डिस्कसिंग द इफेक्ट ऑफ द डेटा ऑन द करेंसी मार्केट, स्पेशली द डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स में जो पिछले हफ्ते का जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका एट 105.51 फ्रॉम एन इंट्रा वीक लो ऑफ 104.25। इट मूव्ड हायर टुवर्ड्स 105.80 एंड क्लोज्ड ऑलमोस्ट नियर द हाई। अभी ये जो कैंडल बनाया हुआ है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। उससे पहले हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देखना चाहेंगे। जो 13th मई का वीकली कैंडल है उसके अंदर में आपका 20th मई एंड 27th मई का इनसाइड बाय कैंडल्स बना हुआ था, फॉलोड बाय जो 3rd जून वाला वीकली कैंडल है वो नीचे की तरफ ब्रीच करने का प्रयास किया था बट फेल टू ब्रीच बिलो द सपोर्ट। अभी इस हफ्ते में ये हाई को टेस्ट किया है, ब्रेक भी किया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया। अभी हमें देखना है क्या करंट वीक में ये हाई को तोड़ के अपवर्ड जर्नी करते हैं। ये हो गया वीकली पर्सपेक्टिव में। अगर हम इसको ब्रॉडर टर्म्स में देखेंगे, ऊपर की तरफ आपका 107 से 107.50 नीचे की तरफ आपका 100.80 से 101.50 सपोर्ट लेवल, उसके बीच में ही आपका प्राइस एक्शंस साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी अगर हम देखेंगे फ्रॉम दिसंबर 23rd, डॉलर इंडेक्स वीकली चार्ट में एक कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो बना रहा है। बनाने के बाद करेंटली जो हाई है, ये हाई हमें देखना है क्या ये हाई है, करेंट हाई प्रीवियस हाई को तोड़ पाते हैं। In such a case, the continuation in the trend. ये हो गया first perspective. अभी आते हैं हमारा second perspective. In case it fails to break above the swing high and breaks below the swing low, thereby making a lower high lower low. In such a case, ये जो 26th December onwards का जो perspective है, from 6 महीने का, almost 6 महीने का जो movement है, उसको पूरा का पूरा negate करेगा। So अभी हमें दो चीजें देखना है, एक है क्या ये high को तोड़ता है and swing high बनाता है, या ये high को तोड़ने में नाकामयाब रहते हैं and low को तोड़ते हैं। In such a case, ये trend continuation या trend change का indications करेगा। एंड जब तक ये हाई या लो को नहीं तोड़ता है तो इसी रेंज के अंदर में, क्या रेंज है आपका, ऊपर की तरफ 106.4050 एंड नीचे की तरफ आपका 104.00, इसके बीच में ही चौपी वॉलेटाइल बिहेवियर कर सकता है। दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट आते हैं जीबीपी डॉलर। अब अगर जीबीपी डॉलर का प्राइस एक्शन देखोगे, लास्ट वीक में एक इन्वर्टेड हैमर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल, ऑल्सो द इम्पोर्टेंट इज एट ए रेजिस्टेंस लेवल, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ। दैट मीन द केस करंट वीक में डेली टाइम फ्रेम पे ये अगर लोअर हाई लोअर लो करते हैं, इन सच केस जीबीपी डॉलर में पॉसिबिलिटीज कि ये 1.25 के तरफ जाने का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये डेली पर्सपेक्टिव में लोअर हाई लोअर लो बनाते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी डेली जो चार्ट है यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ये नीचे की तरफ कैसे और फर्दर आ सकते हैं अगर ये इस टाइप का कंटिन्यूअस बिहेवियर करते हैं। इन सच केस एक डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये जो लेवल है 1.267080 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक करना जरूरी है अगर इसको नीचे के तरफ डाउनवर्ड बायस करना है। तो अभी आते हैं, नेक्स्ट इज आवर जीबीपी आईएनएफ। यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है, लेकिन उससे पहले वाला कैंडल इज अ डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब क्या है, पॉज कैंडल, लो के नीचे पुल बैक, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन। अभी इसको अगर नीचे जाना है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउनवर्ड मूव। एंड यूरो डॉलर,
यूरो डॉलर में वीकली में हमने क्या देखा है? पिछले हफ्ते में एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, जो नेगेटिव कैंडल आपका ये जो कैंडल है ये 30 मई का मदर कैंडल के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया हुआ है। आप अगर मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखोगे वहां पे 13 मई का जो वीकली यूरो डॉलर का कैंडल है वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैंडल, क्योंकि उसके अंदर में बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। थर्ड वाला ऊपर की तरफ ब्रिज करने का प्रयास किया था एंड फेल हुआ एंड करंट लास्ट वीक का जो कैंडल है ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। अभी इट्स अ नेगेटिव बायस सो सेल ऑप्टिक्स मे बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर ए इमीडिएट सपोर्ट एट 1.06 से 1.0620 के एरिया पे। यूरो आयनर पे भी एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है सिमिलरली सेम फैशन पे। सो यहाँ पे एक एम पैटर्न था वीकली पर्सपेक्टिव में आप देखोगे ये यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया हुआ नीचे की तरफ। सो दैट बीइंग द केस ये 88.75 से 88.90 के तरफ एक जाने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये जो जोन है जोन कौन सा 88.80 से 89.50 का एक सपोर्ट जोन। सो यहाँ पे भी मीन्स यहाँ पे हम एक मीन्स स्मूथ डाउनवर्ड मूव थोड़ा सा मिलना मुश्किल है। एंड दैट बीइंग द केस यहाँ पे हम और एक चीज को देखने का प्रयास करेंगे, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पहले जो था अभी क्या ये सपोर्ट लेवल के बारे में सोचता है? दैट मीन्स आप बोलोगे आप नीचे की तरफ देख रहे हो, यस नीचे की तरफ मैं भी टुवर्ड्स 88.80 से 89.00 की तरफ एक बायस हो सकता है, लेकिन ये जो जोन है एक सपोर्ट जोन है। कैसे आपका ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है आल्सो ट्रेंड लाइन वाला भी मैं एक तरह से सपोर्ट डेविंग द केस यहाँ पे सेलिंग करने से भी क्वांटिटीज जो होगा वो क्वांटिटी कम में आएगा। अभी आते हैं डॉलर येन में ज्यादा कुछ है नहीं क्या होगा ये आपका जो मदर कैंडल है 29 अप्रैल का ये बहुत ही बड़ा मदर कैंडल है जो कि मीन्स लो है आपका इसका 151.85 हाई है आपका 160.20। सो जब तक ये इधर हाई या लो को नहीं तोड़ते हैं अंदर ही ये जो बड़ा एक रेंज बनाया है ऑलमोस्ट 12 बिगी का 11 से 12 बिगी इसका तो इसके अंदर में ही चौपी वॉलेटाइल बिहेवियर करेगा। एंड जब तक यहाँ पे और एक चीज जो देखने वाला है हमारा ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जब तक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज नहीं देते हैं एंड फॉलो थ्रू नहीं देते हैं तब तक ये साइडवेज टू मीन्स ज्यादा कुछ डाउनवर्ड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। येन आईएनआर पे भी सिमिलरली ये जो आपका 29 अप्रैल का मदर कैंडल है वीकली उसके अंदर में पूरा का पूरा एक्टिविटी हो रहा है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे एक ये जो है एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वाला है तो जब तक इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देते हैं तब तक ये ऐसा ही बिहेव करेगा। एंड जो बिगर पर्सपेक्टिव है ये 29 अप्रैल का हायर एंड लो रेंज जब तक इधर से ब्रेकआउट नहीं करते इसके अंदर में ही बैठा रहेगा। डॉलर कैंडी में लास्ट वीक में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, इट्स अ परफेक्ट कैंडल। मींस क्या है, हाई के ऊपर कंटिन्यूस लो के नीचे सेलिंग, लेकिन दोनों तरफ ज्यादा कुछ रूम नहीं है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 1.3850 का, नीचे की तरफ सपोर्ट है 1.3600। सो इसी के अंदर में ही रहना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑसी डॉलर पे ये जब पिछले हफ्ते में हमने जो एनालिसिस किया था वहां पे क्या किया था, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ऑसी डॉलर इज मूविंग डाउन टुवर्ड्स 6480 से 6500 के तरफ, लेकिन लास्ट वीक में ड्यूरिंग द वीक एक अपवर्ड बायस देखा गया था। हमारा स्टॉप लॉस अगर इसके हाई के ऊपर चले जाते तो हमारा जो ये कैलकुलेशन स्टॉप लॉस बोले तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है प्राइस एक्शंस को देखने का वो निगेट कर जाता, लेकिन ये लास्ट वीक में हाई को तोड़ा नहीं है, रेदर क्लोजिंग जो था ऑलमोस्ट नियर टू द लो किया है। सो अभी ये कैंडल के लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं डेली पर्सपेक्टिव में तो $80 अगेन इट विल मेक अनदर अटेम्प्ट टू मूव डाउन टुवर्ड्स 0.6475 CMH 7.2525। सो ये जो ब्रॉडर रेंज है 7.2950 इसके 7.29 से 7.2950 इसके ऊपर जब तक क्लोज स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देते हैं तब तक
हमारे डॉलर रुपए के लिए कंपैरेटिवली सेफर है एंड ऑल्सो फॉर द इनविजिबल हैंड इट इज क्वाइट इजी। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज दे देते हैं इसका रिपल इफेक्ट रुपीज में भी आने वाला है, तब जाके रुपी में अच्छा खासा वॉलेटिलिटी दिखेगा। सो जब तक ये साइडवेज कंसोलिडेट करते हैं ये दोनों रेंज के अंदर में, तब तक वी आर सेफ। अभी आते हैं ब्रांड क्रूड, ये है स्पॉट चार्ट। स्पॉट चार्ट में हम क्या देखेंगे, ये पिछले हफ्ते में ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो फ्रॉम आपका 8 अप्रैल वीकली कैंडल ऑनवर्ड्स एक डाउनवर्ड जर्नी है। तो यहाँ पे हमें अगर बुलिश बायस बनाना है तो हमें एक नेगेटिव कैंडल, वीकली पर्सपेक्टिव एक नेगेटिव कैंडल चाहिए एंड उसके बाद इस नेगेटिव कैंडल को हाई को तोड़ना है अगर हमें इसको बाइंग बायस देखना है। तो ये हो गया आपका ब्रेंट क्रूड का। नेक्स्ट आते हैं हमारा यूएस 10-ईयर ट्रेजरी। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी अच्छा खासा सॉफ्टनेस के साथ क्लोज दिया हुआ है। लास्ट वीक में ये क्लोज दिया है 4.223, अभी 4.244 पे है। सो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया हुआ है एंड ऑल्सो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था उसके नीचे भी क्लोज दिया हुआ है। दैट मीन्स यूएस 10-ईयर ट्रेजरी थोड़ा सा सॉफ्ट होने का कगार पे है। अभी इसके लो के नीचे कॉन्टिन्यूएशन चाहिए इस हफ्ते में। अगर ये जो जबरदस्त नेगेटिव कैंडल के साथ सॉफ्ट हुआ है यूएस 10-ईयर ट्रेजरी, इस कॉन्टिन्यूएशन को अगर बरकरार रखना है तो इसके लो के नीचे डेली बेसिस पे सस्टेन करना पड़ेगा। सो आज ऑनवर्ड्स मीन 17 जून ऑनवर्ड्स क्या ये नीचे की तरफ सस्टेन करते हैं या फेल्स टू सस्टेन बिलो दैट वन। अगर फेल्स टू सस्टेन बिलो दैट वन तो थोड़ा सा साइडवेज केसेस आ जाएगा। अगर नीचे गए इसके लो के नीचे सस्टेन करते हैं तो थोड़ा सा फर्दर डाउन मे बी टुवर्ड्स 4.07 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 2-ईयर ट्रेजरी यहाँ पर भी एक मस्त नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है, ब्रेकिंग द इंक्लाइन ट्रेंड लाइन एज वेल एज यहाँ पे जो एक CIP सपोर्ट था इसके नीचे दिया हुआ। अभी क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए के लिए सेम एनालिसिस, पिछले हफ्ते का लो दैट मींस 4.658 के नीचे डेली पर्सपेक्टिव में ट्रेड करना चाहिए एंड सस्टेन होना चाहिए नीचे की तरफ अगर इसी वीकनेस को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे हमारा एक स्पेसिफिक कैंडल है प्रीवियस वीक वाला, यानी 3 जून का वीक का जो कैंडल है ये एक हैमर कैंडल है एंड इसके लो के नीचे क्लोज दिया हुआ है। अगर थोड़ा सा भी मौका मिलता है इसके लो के नीचे सस्टेन करने के लिए डेली पर्सपेक्टिव में, किसके लो के नीचे, लास्ट वीक का कैंडल के लो के नीचे, तो ये जो बुलिशनेस था पूरा का पूरा निगेट कर गया। अभी थोड़ा सा प्रेशर चाहिए इसके लो के नीचे सस्टेन करने के लिए। इन सच ए केस यूएस 2-ईयर ट्रेजरी और फर्दर सॉफ्ट होने का प्रयास करेगा, फर्स्ट टूवर्ड्स 4.46 के तरफ, उसके बाद हम नए सिरे से प्राइस को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। अभी आते हैं हमारा डॉलर रुपी। डॉलर रुपी में मीन्स बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाला कुछ है ही नहीं, ऊपर की तरफ मीन्स एवरीबॉडी नोज क्या हो रहा है। तो वही जो एवरीबॉडी जानते हैं वही मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ 8350 8370 एज द रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ 8280 से 83.00 इज अ मेजर सपोर्ट एंड आल्सो मॉडरेट सपोर्ट जो हो सकता है 8220 से 8320 से 8325 के बीच में। अभी जब तक ये यहाँ पे हाई के ऊपर 8370-75 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तो यही रेंज बरकरार रहेगा जो एग्जिस्टिंग हो रहे हैं। अभी इसके ऊपर जाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, एक हो सकते हैं इनविजिबल हैंड्स अपना हाथ छोड़ दे, दूसरा वाला हो सकते हैं आपका सी ए नीचे 7.292950 के ऊपर सस्टेन करना चालू कर दे, तीसरा वाला हो सकता है यूएस चाइना ताइवान का कुछ घमासान हो सकता है, या चौथा ये भी हो सकता है कि चाइना और इंडिया के बीच में थोड़ा कशमकश गर्मा गर्मी थोड़ा बढ़ जाए। जब तक उस टाइप का कुछ इंडिया स्पेसिफिक या इंडिया सेंटर्ड ग्लोबल एक्टिविटीज कुछ नहीं होते हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज कुछ नहीं होते हैं, तब तक ये सेफ है इन बिटवीन द रेंज। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा। Thank you and have a nice day.